मैं हूँ शाह मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं जाग मेरे शहर न्यूज़ चैनल। 10 अगस्त 2022 को मालेगांव शहर बाईपास से गुजरने वाले मुंबई आगरा हाईवे नंबर 3 पर एक हादसा रोनुमा हुआ, जिसमें एक 2.5 साल बच्चे की मौत वाकई हो गई। जिस बच्चे की मौत वाकई हुई उसका नाम सैयद अनस सैयद तौफिक बताया गया है, जिसकी उम्र 2.5 साल थी, जो कि हाईवे के उस जानब अपने वालदेन के साथ रहा करता था। 11 मुहर्रम और त्यौहार के मौके पर अनस की वालदा उसको लेकर अपने मायके आई हुई थी। उसके बाद वो अपने घर लौट रही थी। घर वापस लौटते हुए वो बजरिया बाइक अपने भाई यानी कि अनस के मामू के साथ अनस को साथ लिए हाईवे क्रॉस कर रही थी कि एक तेज़ रफ्तार कंटेनर ने अनस की वालदा को धक्का मार दिया, जिसकी वजह से अनस अपनी वालदा के हाथों से छूट गया और गिर गया। इसी के साथ वो कंटेनर की जद में आ गया, जिसकी वजह से उसका निचला हिस्सा बुरी तरह से कुचल गया और इसकी विजय वारदात पर ही मौत वाकई हो गई। यह न्यूज़ हमें मारूफ सोशल वर्कर शेख शफीक एंटी करप्शन ने फराहम की है। और इसी के साथ शेख शफीक एंटी करप्शन ने सियासी और हुकूमती अफराद से अपील की है कि मजीद हादसा होने से कबल इस हाईवे पर अंडरपास और सर्विस रोड वगैरह बना दिया जाए, ताकि बेकसूर आवाम की बेजा अमवात होने से बच जाए। इस न्यूज़ में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली न्यूज़ के साथ। ऐसे ही देखते रहिए जाग मेरे शहर न्यूज़ चैनल। कैमरामैन अमानुल्लाह के साथ।